कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के खून खौलने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है और राहुल गांधी से ही सवाल किए जाने लगे हैं। राहुल से पूछा जा रहा है कि उनका खून कब खौलता है और कब नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इससे मेरा खून खौलने लगता है कि कैसे किसी देश ने हमारे इलाके में घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा किया। राहुल गांधी ने कहा, मैंने सैटेलाइट इमेज देखी है, पूर्व सैन्यकर्मियों से बात की है, सब जानते हुए भी मैं झूठ नहीं बोल सकता। चीन को लेकर मैं हमेशा सच ही बोलूँगा, फिर चाहे इसके लिए अपना पॉलिटिकल करियर ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। राहुल ने अपने नए वीडियो में कहा कि भारत की ज़मीन पर चीन के कब्जे के बारे में देश की जनता से सच बोलना ही सच्ची देशभक्ति है। राहुल गांधी का यह बयान बड़ा ही हास्यास्पद है। ये बताता है कि 50 साल के राहुल गांधी के सलाहकार अब भी उनको ऐसी सलाह नहीं दे पा रहे हैं जो उनकी बिगड़ी इमेज को ठीक कर सके। पहले जरा राहुल गांधी को सुनिए। नाउ इट इज प्रीटी क्लियर दैट द चाइनीज हैव एंटर्ड आवर टेरिटरी। दिस डिस्टर्ब्स मी, इट मेक्स फ्रेंकली माय ब्लड बॉइल। हाउ कैन सम अदर नेशन जस्ट कम इनटू आवर टेरिटरी? नाउ इफ यू एज अ पॉलिटिशियन वांट मी टू कीप क्वाइट एंड लाई टू माय पीपल when I am absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell, but I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. So frankly, I don't care if it costs me politically. I don't care if I have no political career at all after that, but I am going to say the truth as far as Indian territory is concerned. आपने सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? अगर इन सब के बाद मेरा पॉलिटिकल करियर पूरी तरह बर्बाद भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने कहा कि उनके लिए देश और देश की जनता सबसे पहले है। पता नहीं राहुल गांधी जी कौन से करियर की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैरियर पर तो उस समय ग्रहण लगना शुरू हो गया था जब राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी हार गए। आपको वायनाड भागना पड़ा। राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करारा जवाब दिया है और उनके खून खौलने पर सवाल भी खड़ा किया है। उनका बड़ा कैरियर होगा, वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे अपने कैरियर के बारे में। पर जब चीन के राजनयिक से वो गुपचुप मुलाकात करते हैं और फिर चीन की बात करते हैं तो हंसी आती है। वो बड़े नेता हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों को सार्वजनिक करने के लिए उनका खून कभी नहीं खोलता है क्या? वो जाते हैं, सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बात कर रहे हैं, करी है तो नहीं करी है तो, उन्हें कम से कम स्पष्ट तो करना चाहिए। अप्रत्यक्ष मदद की नौटंकी जो वो करते हैं ये ठीक नहीं है। देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों को वो जिस तरह से रखते हैं मैं उसको भी ठीक नहीं मानता हूँ। ठीक है, उनका क्या कैरियर है वो जाने, देश की जनता इसको अच्छा नहीं मानती। सीमा विवाद, कश्मीर, सीए जैसे मसलों पर राहुल गांधी के बयानों ने उनकी इमेज को तो कमजोर किया ही है, युवाओं को भी उनसे दूर कर दिया है। खासकर चीन के मसले पर राहुल गांधी पर ही सवाल या निशान लगते रहे हैं। राहुल खुद चुपचाप चीन के राजनयिकों से मिलते रहे हैं। राहुल को जवाब देना चाहिए, उन मुलाकातों की वजह क्या रही? राहुल विपक्ष में है, सरकार को घेरना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि उनके बयानों के कारण लोग कांग्रेस से दूरियां ना बनाने लगे। राहुल गांधी, आप सच बोलिए, भले ही आपका राजनीतिक करियर दांव पर लग जाए या बर्बाद हो जाए, लेकिन ऐसा सच बोलिएगा जिससे कांग्रेस का करियर बर्बाद ना हो। आप तो ये बताएं, आपकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या की, इस पर आपका खून कभी खौला क्या? या 1984 में जब सिखों का नरसंहार हुआ तब आपकी पार्टी की सरकार थी, आपके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस बात पर आपका खून खौला क्या? भोपाल गैस कांड में हजारों लोगों की जान लेने वाली यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वॉरेन एंडरसन को भोपाल से भागने में आपकी पार्टी और आपकी सरकार की अहम भूमिका रही, उस पर आपका कभी खून खौला क्या? या 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में आपकी पार्टी कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही, आतंकवादियों के समर्थकों अलगाववादियों का मौन समर्थन किया, उस पर कभी आपका खून खौला क्या? या 2008 में मुंबई हमले और उसके बाद खास मंशा से हिंदू आतंकवाद शब्द कांग्रेस ने ईजाद किया, उस पर आपका खून कभी खौला क्या? चीन के राजनयिकों से आपकी गुप्त मुलाकात,
फिर चीनी चंदे का मामला, उस पर भी आपका खून कभी नहीं खोला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया गया, इस पर आपका खून कभी खोला क्या? जब जब कांग्रेस की सरकार के रहते चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया, उस पर आपका खून कभी खोला क्या? नहीं ना, तो अब भी आपको खून खोलाने की क्या पड़ी है? जनता देख रही है और वो आपसे ज़्यादा जागरूक है, उसे पता है देश में क्या चल रहा है, इसलिए खून खोलाने से बेहतर है फिलहाल आप कांग्रेस पर ध्यान दें। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।